जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यू नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में स्पेशल दुनिया को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, यू नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन दोनों की अपने अपने जीवन में जो इनकी सोच होती है, जो इनकी मानसिकता होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है। ये कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के दृष्टिकोण से ज्यादा सहमत नहीं होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने अपने विचारों को, अपने अपने दृष्टिकोण को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है उसमें आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा यदि यू नाम वालों की बात करें तो यू नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने स्वतंत्रता के साथ में, अपने आजादी के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपनी आजादी को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एवं इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में जोखिम उठाना, रिस्क उठाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये कभी भी अपने जीवन में कोई भी जोखिम उठाने से, कोई भी रिस्क उठाने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि डी नाम वालों की बात करें तो डी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा शांत होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं। अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं। मित्रों, यू नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में स्पेशल दुनिया को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।